मुझे बड़ा शौक है प्री लव्ड चीजें लेने का. प्री लव्ड इज अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग सेकंड हैंड. अगर आप जमादार बनना चाहते हैं ना, तो दुनिया का सबसे बेस्ट जमादार बने. माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो बस अगर वो याद रखेंगे एवरीथिंग विल बी गुड. जितनी चादर है उतनी टांग फैलाएंगे तो जिंदगी भर आप आराम से रह सकते हैं. साले गुजराती बनिए यार, क्या हो गया तुम लोगों को भाई? तूने इस तरह की तरबियत दी है? तो अब जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मैंने यार, फॉर एग्जांपल अब मैं जाता हूं, मुझे बड़ा शौक है प्री लव्ड चीजें लेने का. प्री लव्ड इज अ डिफरेंट वे ऑफ सेइंग सेकंड हैंड. अब मैं ये दुनिया के सामने प्री लव्ड कितना अच्छा वर्ड है, दिस इज अमेजिंग. कितना अच्छा अल्फाज है. आई यूज्ड टू गो फॉर प्री लव्ड ऑल द टाइम. कितना अच्छा अल्फाज है. ऑन प्री लव यार, राइट. अब मैं दुनिया के सामने ये कह रहा हूँ, हमारे तमाम अलिफ के जो व्यूअर्स हैं और बाहर के व्यूअर्स हैं, सबके सामने कह रहा हूँ कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं. अल्लाह का शुक्र, कोई शर्म की बात नहीं. तो बच्चे देखते हैं कि यार अगर हमारा अब्बा इस चीज से खुश है तो फिर हम किस खेत की मूली है. तो तसर्रुफ में बिल्कुल यकीन रखते हैं आप ना. अब अब्बा जानबूझ के पुरानी चीजें बच्चों को खरीद के नहीं देगा, राइट. लेकिन अब्बा जाया भी कुछ नहीं करेगा. अशखास ऐसे होते हैं जो दुनियावी और दीन भी दोनों चीजें साथ लेके चलते हैं. उसकी परफेक्ट मिसाल अली खान है. मैं कसम खाता हूँ, किसी दोस्त है, इनकी रूटीन से हमें पता है. लेकिन बासुन, अगर चांदनी का जिक्र नहीं किया ना तो हम फारिग हो जाएंगे. फारिग हो जाएंगे. माँ का जिक्र है, तुम्हारी बच्चों की जो वालदा है, आपकी जो अहलिया है, उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन होगा. बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन. उनका कंट्रीब्यूशन बच्चों से पहले का भी है, क्योंकि जिस ओहदे से और जिस फाइनेंशियल बैकग्राउंड से वो हैं और जहाँ मैं था, ज़मीन आसमान का फर्क था. लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पे, मेरे कॉन्फिडेंस पे, मेरी फॉलिंग इन लव and then trying to निभाओ. नहीं कर सकते. They do. तो वहीं से गिर कर डुश यहाँ आ गई. Literally fell in love. लेकिन माशाल्लाह जिस तरह उसने निभाया, आज तक मुझसे एक चीज नहीं मांगी और कभी भी किसी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर मुझ पर नहीं डाला. आप जानते हैं कि एज एन एक्टर जिंदगी कितनी मुश्किल होती है. मैंने छोड़ दिया इसलिए आप पता चल रहा है कि वाकई बड़ी बड़ी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो होता है कि आप अपनी अहलिया के हवाले, अपने घर, अपने बच्चों की तरबियत छोड़कर जा रहे हैं. आपको पता है जब आप वापस आएंगे तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे. और हमेशा यही हुआ है कि जब भी तो माँ का पढ़ा लिखा होना बड़ा जरूरी है. बहुत जरूरी सर, किसी का भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी. क्योंकि आप मिसाल देखें अगर तो देखें माशाल्लाह उसने अकेले थोड़ी सपोर्ट के साथ, बट बीइंग अ सिंगल वुमन इज अ अपहिल टास्क. इट्स अ ह्यूज अपहिल टास्क. और आप जब आप दुनिया में आके प्रैक्टिकल लाइफ में घुसते हैं, मर्द की हैसियत से अगर इतनी मुश्किलात हैं, तो वर्किंग वुमेन के लिए कितनी ज़्यादा होंगी आप इमेजिन नहीं कर सकते. नहीं भाईजान, एज अ यंग मैन जो अपने अब्बा का दीवाना था, मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अम्मी कुड गेट रीमैरिड. उस वक्त तो कभी तसव्वुर नहीं कर सकता था. आज मैं सोचता हूँ कि अम्मी ने दोबारा शादी क्यों नहीं की. ये मैं पूछ रहा हूँ, मगर मैंने कहा छोड़ो, क्या फ़ायदा. तो अब जाकर बड़ा अफसोस होता है कि यार अम्मी के लिए भी कोई कंपनी होगी. उसकी वजह तो मगर उस वक्त ऑफ कोर्स तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया. तो एक माँ ही ऐसा कर सकती है? नहीं यार, हो नहीं. मर्द की फितरत में ये चीज है ही नहीं. देखें, मेरे अब्बा ने फौरन शादी कर ली. खुदा ना खास्ता अगर मेरा डिवोर्स हो जाए तो मैं अपने आप को जानता हूँ. मैं जानता हूँ एज अ मर्द मैं अकेला नहीं रह सकता. लेकिन औरत में ये ताकत है और औरत बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए सब कुछ कर सकती है. ये हर किस्म की तरफ मिसालें मिलती हैं. मर्द हजरात ने भी ये किया, सिंगल फादर्स ने भी ये किया. होते हैं ऐसे लोग, या नहीं है कि नहीं है? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मेरी फितरत में ये अकेला रहना नहीं है. तो व्हेन आई कम होम मुझे वो रौनक चाहिए, मुझे हलचल चाहिए, मुझे थोड़ा सा लाड प्यार चाहिए कि मैं आऊँ शेरों की तरह लेट जाओ, ओ यार कुछ थका हुआ आया, खिला दो यार. तो वो सब तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी इन माय लाइफ. इस किस्म की कोई मजाक नहीं मिल मैं केस को आपके साथ जितना लाड होता वो है. मुझे कहती है कि आप खिलाओ. आप तो खिला तो रहे. लेकिन अजय की मदर है लंदन में या दुबई में? दुबई में इस वक्त. और सिस्टर के साथ तुम्हारी रिलेशनशिप कैसे? बहुत पक्का. मैं कह रहा हूँ ना, हम तीन एक कमरे में साथ गुजरे, पले पड़े. तो मेरी बहन और मैं तो बिल्कुल. कौन सी चीजें वालदा की जो थोड़ी सी
आप मम्मा की ना ये वाली जो आदत है ना, ये मुझे ज़रा बुरी लगती है। ओके, कभी कभी ज़्यादा चिड़ जाती है मुझे उम्र के साथ साथ। अरे बड़ा ये अब क्यों, जब आदमी बचपन में किसी चीज़ से गुजर रहा होता है, अपने माँ बाप को देखता है, तो एक ख़ास रिश्ते होते हैं जिसमें कई चीज़ों में वो पढ़ना ही नहीं चाहता दोनों तरफ, लेकिन फिर वो खुद बड़ा होता है, उसकी खुद शादी होती है, फिर वो खुद एक खाविंद बनता है और उसके सामने एक बीवी आ जाती है और वो फिर तो आप इस किस्म के रिश्ते को कैसे देखते हैं, मियाँ बीवी के रिश्ते को, मर्द और औरत के, बचपन में क्या समझते थे और अब आपका क्या ख्याल? एज माई इक्वल फॉर अ स्टार्ट, ठीक, सबसे ज़रूरी चीज़। दूसरी चीज़ ये एहसास होता है कि हर चीज़ की तरह जो शादीशुदा रिश्ता है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। यू कांट लेट इट मीएंडर, इफ़ इट मीएंडर्स उसमें जो भी स्पार्क और जोश था वो ख़त्म हो जाता है, तो यू हैव टू कीप वर्किंग एट इट। हाउ इम्पॉर्टेंट द रिश्ता इज डिक्टेट्स हाउ मच वर्क यू आर गोइंग टू पुट इनटू द रिश्ता। तो अगर आप रिश्ता को जिंदा रखना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, बेगम को खुश करना या बेगम ने कुछ कर लिया आपको खुश करना, आपको खुश रखना। You bring her flowers and everything? No, I'll bring her a plant क्योंकि flowers मर जाते हैं तो मुझे उससे चिढ़ आती है, तो I'll bring you, I'll bring a plant instead. Every day? Not every day. Every third day, fourth day. Whenever, whenever. Otherwise, अगर मैं कुछ खरीद रहा हूँ और मैंने कुछ देख लिया तो मुझे पता है कि चंदा को ये पसंद है तो फॉरन ले लूँगा। Does she also give you? And she reciprocates exactly the same way. She knows how I like my food. अगर मैं लेट आ रहा हूँ तो मैं कहूँगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो she'll make sure there's an egg sandwich for me. Little little things that only a husband and a wife know. Yeah. So that has to remain. The other thing. Feminism का क्या बनेगा इस दौरान यार तुम? The other feminism से पहले the other thing I'd like to say is कभी कभार एक मर्द और औरत के रिश्ते में बच्चे बहुत अहमियत ले लेते हैं। और मेरे हिसाब से वो गलत है क्योंकि बच्चे आपके होते हुए भी आपके नहीं होते। ये बहुत एहसास अभी से होने लगा तुम्हें? बच्चों को तो आप चला जाना है भाई, और आप अपनी अहलिया के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो अनलेस देयर आर कॉमनैलिटीज एंड अनलेस आप दोनों मिलकर, व्हाट डू यू डू टुगेदर? लॉट्स ऑफ थिंग्स, गो टू रेस्टोरेंट्स, कुक, लुक आफ्टर द हाउस, नॉर्मल एक्टिविटीज, गो टू द बीच, ट्रैवल, बच्चों के बारे में सोचना। शी इज अ गुड कंपेनियन, अल्लाह का शुक्र है, नो कंप्लेंट्स, एंड अ सपोर्टिव कंपेनियन। एज योर चिल्ड्रन ग्रो, व्हाट वुड यू लाइक देम टू ग्रो अप एज? गुड ह्यूमंस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू थिंक दे विल बी? मैंने बच्चों से कहा है कि पैसों के बारे में मत सोचो और पैसों की फिक्र मत करो और ऐसी प्रोफेशन के बारे में मत सोचो जो आपको बड़ा पेचेक देता है। हम सब गुलाम हैं और सब मुलाजिम तो हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कमा लिया है, तो अगर आप जितनी चादर है उतनी टांग फैलाएंगे तो ज़िंदगी भर आप आराम से रह सकते हैं। आप कुछ ऐसा करने की सोचें जो आपको खुशी देता है और जो आपका जज्बा है, अगर आप वो करेंगे तो पैसे ऑटोमेटिकली उसका बाय प्रोडक्ट है, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है जिससे किसी और का कोई फ़ायदा हो और वो किसी और दुनिया भी हो सकती है, एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर ले। तो कहते कि फिर हम क्या बने? ऐसे तो आप जमादार बन जाएं भाई, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी सिर्फ एक कंडीशन है, अगर आप जमादार बनना चाहते हैं ना तो दुनिया का सबसे बेस्ट जमादार बने, जज्बे से जमादार बने, ये नहीं कि मजबूरी से बन रहे। दैट्स माय ओनली कंडीशन, कि जो भी करो तय दिल से करो अपने पूरे जोश के साथ। बिकॉज अब वालदा के साथ बहुत अक्सर बोलते रहते हैं आप कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, माँ ऑल द टाइम, और वो भी जवाब देते हैं मेरे बच्चा ऑल द टाइम। इज इट अ फिजिकल काइंड ऑफ रिलेशनशिप? इट इज अ फिजिकल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ की गर्मी देखते हुए थोड़ी सी दूरियाँ नज़दीकियाँ में बदल जाती हैं कभी कभी, या नज़दीकियाँ दूरियाँ में बदल जाती हैं। बट बेचारी बिकॉज शी इज हैड हर फॉल्स एंड स्टफ, शी इज अ बिट फ्रेजाइल दीज डेज, तो रोज दुआ में शामिल है कि अल्लाह ताला उन्हें पहले से बेहतर खड़ा कर। मेरे मदर जब जाते हो बाहर? ऑल द टाइम, आई एम स्टॉपिंग नेक्स्ट वीक टू स्पेंड अ कपल ऑफ डेज विद हर। सो दिन में कितने फोन कर देते हो? दिन में तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार तो गुफ्तगू हो ही जाती है। और वो तुम्हें मिस करती हैं? شدید شدید हां, शायद गर्मियों की वजह से और थोड़ी सी तबीयत के साथ मां ज्यादा करीब होती है, ये बात सच है। आई थिंक बेटियों
के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है और उनकी उनके बच्चों के साथ भी ज्यादा अंडरस्टैंड, नानियां ज्यादा अच्छी और नानियां ज्यादा अच्छी होती है, दादी इतनी अच्छी नहीं होती, ये बात सच है। क्योंकि दादी फिर एक गैर औरत की एक बच्चे पाल रही है, तुम्हारे नहीं, ये डिफरेंस तो है, ये डिफरेंस डेफिनेटली है। लेकिन दोबारा तरबियत पे आ जाती है बात, यू एजुकेटेड सो एवरीबॉडी इज फाइन। क्या कहना चाहोगे माँ के रिश्ते के बारे में, अगर मैं तुमको एक मिनट दूँ? चलो टॉक अबाउट द रिलेशनशिप, दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप कॉल्ड मदर एंड सन, उसके ऊपर एक मिनट दें। आई थिंक वो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को चूज नहीं करते, अल्लाह ताला जो देता है, यू आर स्टक विद दोज रिलेशनशिप्स, नॉट जस्ट मदर बट ऑल्सो योर फादर, योर चिल्ड्रन। माँ की सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आपके लिए कभी भी कोई रॉन्ग डिसीजन या बुरी बात कभी नहीं सोच सकती। दे ऑलवेज ट्राई एंड मेक श्योर कि वो जो भी आपको नसीहत देती हैं, इट्स फॉर योर बेटरमेंट। और कभी कभार बात बुरी भी लगती है क्योंकि शायद सच हो, तो उस वक्त एज अ मैच्योर ह्यूमन बीइंग, रादर देन रिएक्टिंग, किसी ने मुझे समझाया कि आप 1, 2, 3 कह लें, एक लंबी गहरी सांस ले लें और ज़रा सोचें कि ये क्यों कहा जा रहा है, किस वजह से कहा जा रहा है, और उस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें बिफोर रिएक्टिंग। आजकल हमारी पेशेंस इतनी कम हो चुकी है, दैट इज एक्शन रिएक्शन, विच आई एम ऑल्सो वेरी मच गिल्टी ऑफ। तो कभी कभार इट्स बेटर टू टेक अ स्टेप बैक एंड रियलाइज कि ये हमारे बुजुर्ग हैं। अगर हमने ज़िंदगी 50 साल की देखी है तो इन्होंने शायद 75 ईयर्स की देखी है, तो जो भी कह रही है इसके पीछे कोई ना कोई तो बात होगी। एंड यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, वो कहते हैं ना कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तो बस अगर वो याद रखेंगे, एवरीथिंग विल बी गुड।